आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के करम से सब ठीक ठाक होंगे। आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेकर आए हैं वो है वन एग केक। वन एग केक का मतलब है कि एक अंडे से मैं आपको केक बनाना बताऊंगी। हमें जो चीजें चाहिए वो देख लेते हैं। हमारे पास ये 2 कप मैदा है, ग्राम में देखो ये 350 ग्राम है, और ये 1 कप और 1/4 कप चीनी है, ग्राम में देखें तो 350 ग्राम। एक अंडा है, 1/3 कप हमारे पास तेल है, 1/2 कप दूध, ये 2.5 टीस्पून हमारे पास बेकिंग पाउडर है, और 1 चुटकी हमारे पास नमक है। तो ये हमारे अज्जा हैं, वनीला एसेंस जाएगा इसके साथ, और यहाँ भी वही देखें अज्जा रखे हुए हैं। मैं आपको 2 तरीकों से बनाना बता रही हूँ, अवन में और विदआउट अवन। तो इसलिए मैं आपको ये चीजें दिखा रही हूँ। एक चीज मैं आपको मिक्स करके दिखा देती हूँ एक केक, बाकी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हम अवन में रखेंगे और ये मैं विदाउट अवन आपको बताऊंगी। देखें सेम चीजें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले हम दूध डालेंगे और ये मैंने चीनी पीस ली है, इससे ज़रा आसानी हो जाती है कि, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। दूध हमने नीम गरम लेना है, बहुत आसानी झटपट बन जाने वाला टी टाइम केक भी आप इसको कह सकते हैं। जब आपका दिल करे आप फटाफट अपने किचन से चीज़ें निकालें और ये बनाएं। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अंडा डाल दिया, अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे। हाफ टी स्पून वनीला एसेंस, ये मैं मैदे में बेकिंग पाउडर डालूंगी, और ये मैंने मैदा छान लिया था इसलिए अब मैं आपको मिक्स करके दिखा रही हूँगी, और इसे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करेंगे। मैंने पहले दूध डाला है, फिर चीनी डाली, फिर उसके बाद मैंने ऑयल डाला, उसके बाद अंडा। ये देखें अच्छी तरीके से हमारा बैटर मिक्स हो गया है। ये देखें हैंड मिक्सर मैंने हटाकर और स्पून से इस तरीके से देखें हर चीज मिक्स हो गई है। अब मैं इसे ये देखें ये 2 मैंने मोड़ लिएंगे, एक मेरा गोल है और ये एक मेरा स्क्वायर है, ये भी 8 इंच का है और ये भी 8 इंच का है। इसमें मैंने ब्राउन पेपर लगाया, इसमें मैंने बटर पेपर लगाया है। अब आपके पास जो भी मुयस्सर हो आप वो इस्तेमाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छी तरीके से इसे टैप करना है ताकि ये हर जगह फैल जाए। अब हम इसे यहाँ रख रहे हैं विदाउट अवन जो मैं बना रही हूँ। ये देखें इधर मैंने रैक रखा हुआ है और इसमें हम रख देंगे, और ये तकरीबन 30 से 35 मिनट में तैयार होएगा। 30 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। मीडियम आंच में हमने इसे बनाना है। हमने केक रख दिया है, अब हम बनाएंगे जो हम अवन में रखेंगे। सेम वही प्रोसीजर है जो हमने करना हैगा। ये देखें दूध लेंगे पहले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद हमने ये चीनी डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। वैसे भी चीनी पीसी हुई है, चीनी पीसने से बहुत आसान काम हो जाता है कि हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये ऑयल डालेंगे, इसके बाद हम इसमें एक अंडा डालेंगे, साथ ही हम इसमें 1/2 चम्मच वनीला एसेंस, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये मैदे में मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, नमक डालेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा डालेंगे इस तरीके से।
बाकी काम हम स्पैचुला से करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें अच्छी तरीके से इसे हल्के हाथों से हमने मिक्स करना है। देखें ये भी अच्छी तरीके से मिक्स हो गया, इसे भी हम मोल्ड में डालेंगे। ये देखें इसे भी हमने अच्छी तरीके से इस तरीके से टैप करना है और इसे हम, मैंने प्री हीट ओवन करा हुआ है 180 पे, अब इसको हम रखेंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट। 25 मिनट के बाद हम देखेंगे, इसे चेक करके देखते हैं, तकरीबन 35 मिनट हो गए इसे। इसे हम स्क्वायर से, ये देखें अभी ये थोड़ी गीली है, अभी है इसमें कसर, और ये देखें कलर कितना अच्छा आ रहा है इसमें। ये इसलिए आता है कि मैं इसके ऊपर एक वजन सा रख देती हूँ, इसके ऊपर इस तरीके से मैं ये रख देती हूँ ताकि इसकी ना भाप बाहर ना निकले, इससे ऊपर कलर बहुत अच्छा आता है कोई भी चीज़ हम बेक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें केक हमारा तैयार है और इसको हम ये स्क्वायर डाल के चेक करेंगे। ये देखें बिल्कुल साफ है स्क्वायर हमारा, अच्छे तरीके से पक गया ये। अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखें ये ओवन वाला तैयार हो गया। अब ये देखें अब हम इस पे से ये वजन जो हमने रखा था हटा लेंगे और इसे खोल के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये देखें कितना अच्छा केक बना है ये भी, इसे भी मैं चेक करती हूँ। ये देखें कुछ साफ, इससे हमें पता चल रहा है कि एक अंदर तक हमारा पक गया है। इसे भी हम निकाल लेते हैं। ये देखें इसे भी हम यहाँ पर निकालते हैं और ये देखें दोनों केक हमारे तैयार हैं। ये हमने ओवन में बनाया है, ये हमने विदाउट ओवन बनाया है और ये देखें इस पर कितना अच्छा कलर आया है। ये देखें दोनों केक तैयार हो गए। अब मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँगी कि केक हमारे कैसा बना है। गरम बहुत है, ज़रा हाथ बचा के इसको इस तरह रख लेती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा हमारा केक बना है। अब हम इस पे से इस तरह करके ये देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जो हमने विदाउट ओवन आपको बताया है उसके देखें कितना अच्छा ये बनाए, कितना अच्छा रिजल्ट आया है। आप लोग भी इस तरीके से बनाएं और इंजॉय करें। ये देखें ये देखें ये देखें मैं आपको ये एक केक काट के दिखाती हूँ। माने रहीम। ये देखें और बहुत मजे का ये केक लगता है। शाम की चाय में आप जब आपका दिल करे आप घर की चीजों से फटाफट ये केक बनाकर एंजॉय करें। ये देखें ये 1-1 केक तैयार है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना है। आप लोग भी इसी तरीके से अपने घर में बनाएं, अपने किचन में से चीजें निकालें और फटाफट ये बनाएं, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और देखें इसकी सॉफ्टनेस, देखें कितनी सॉफ्टनेस हैगी, आप शाम की चाय में भी बनाकर इंजॉय कर सकते हैंगे। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ, बहनों के साथ और बेटियों के साथ जरूर शेयर करें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे बने बेल आइकॉन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपको पहले देखने को मिले। शुक्रिया।